हम आ गए सरोजा। ललन ये सब क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तुम सब छोड़ो, वो सब ठीक है। और हम पूरे 2 लाख के साथ में आए हैं। और चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, अब तुम्हारी शादी किशन से ही होगी। नहीं ललन, अब जो हो रहा है उसे होने दो। अरे? अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। अरे? अब जो हो रहा है वो होने दो। ये क्या क्या मतलब हुआ? जब हम टाइम पे आ गए हैं, पूरे इंतजाम के साथ आ गए हैं, तो फिर ये ललन तुम्हारे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या किशन की सगाई कहीं और हो गई है? सुने उसे बहुत दहेज मिल रहा है। हाँ तो हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। तुम सरोजा को संभाल लो और उसको ढांढस बताओ। और कुछ नहीं, हम सब संभाल लेंगे। और हमने सरोजा को चाहा, हम सरोजा की से जान दे देंगे। अरे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? हैं? अरे दहेज ले रहा हूँ तो लड़की भी तो ला रहा हूँ। अप्सरा है अप्सरा, आसपास के गांव में चर्चे हैं उस लड़की के। उसका नाम सिर्फ चंदा नहीं है, चंद्रमा है चंद्रमा। पिताजी वो बात नहीं है। क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह? अरे उस लड़की के पीछे कितने लड़के दीवाने हैं पता है तुम्हें? हैं? वो बेनी प्रसाद का बेटा धतूरा खा के पागल हो गया इस लड़की के पीछे। अरे बेटा तू है कहाँ? हैं? चल 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 चल, सूट सिलाने जाते हैं। चलो 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 चलो, लंबा रखो लंबा रखो। हाँ ये बराबर है, करेक्ट। और ये कमर 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 कमर, 1 इंच बढ़ा के रखो। हाँ पिताजी। और कंधे जो हैं वो 1.5 इंच बढ़ा देना, 1.5 इंच। पिताजी। अरे क्या पिताजी पिताजी कर रहे हो तुम? हैं? तुम लिखो। पिताजी ढीला हो जाएगा। तू कौन सा कसा रहेगा जिंदगी भर? अपनी शादी का सूट तेरी शादी में पहनूंगा और तेरे बेटे की शादी में भी यही पहनूंगा। चाचा प्रणाम। चाचा हम लल्लन। हाँ हाँ। चाचा आप किशन का ब्याह कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आप इससे खुश हैं तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये गलत हो रहा है। एक तरफ अगर इसमें खुशी है तो दूसरी तरफ जिंदगी है चाचा, और इससे किसी का सब कुछ बिगड़ जाएगा चाचा। अच्छा तो ये भी चंदा के दीवाने हैं, तो ये लीला है। अच्छा तो किसका क्या उजड़ जाएगा? आपको समझना चाहिए चाचा। मुझे समझा रहे हो? समझना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, समझे? प्रेम भावना के साथ साथ हैसियत और औकात भी होनी चाहिए। हैं? कौवे को मुंह मारने के लिए कचरे का ढेर पड़ा है और मोती चुभने के लिए हंस का जन्म लेना पड़ता है, समझे? मुझे एक बात बता, ये मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगा ब्याहूंगा। तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? तू होता है क्या मतलब है आपको? नाना बाजना सिखाया आपने मुझे, अब हम आपके कंधे तक पहुंच चुके हैं। हम आपसे कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चाचा हैं हमारे। अब ये कौन सी लीला है? लीला नहीं, सरोजा। सरोजा आपके घर में बहू बनकर आएगी, उसको अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए चाचा। उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। सरोजा? कौन सरोजा? चाचा लक्ष्मी है सरोजा, भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है सरोजा। हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं चाचा कि आप सरोजा को अपना लीजिए। नहीं ललन, ये नहीं। पहले ही तुमने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी के लिए क्या नहीं किया तुमने? हमें दुख से उबारने के लिए तुम कहाँ, किस हाल से गुजरे हो वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है ललन। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन किशन ने हमारे लिए क्या किया? पिछले 13 दिनों से सुबह शाम रात की एक एक घड़ी को
एक एक जिंदगी की तरह काटी है हमने। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को निभाते हुए आंखें पथरा गई हमारी, लेकिन इस फैसले का असर किशन पर क्या देखा हमने। आज तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद अगर किशन के पिताजी मुझे स्वीकार कर भी लेते हैं और कल को जाके कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या किशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को रोक सके। ललन, प्रेम तो तुम्हारा है, हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। और कोई बाकी है कन्यादान के लिए? मैं बाकी हूँ पंडित जी, मैं बाकी हूँ। लक्ष्मीदास जी भी आ गए। ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। अरे दादाजी, हम लगा लें फोन। ये मरे पे भी हड़ेंगे। हेलो, हेलो, कौन? तिवारी जी। हाँ, हम बोल रहे हैं। हाँ लो जी, गवर्नर साहब बात करेंगे। गवर्नर? हाँ बात कराइए। हेलो चाचा। अरे भतीजे, तुम हो क्या? सरोजा को पत्नी बना के ला रहे हैं मुंबई। अच्छा भैया, चमत्कार हुआ कैसे? चाचा हम वहाँ आके आपको सारी बात बताएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब हरी अनंत हरी कथा अनंता। चाचा वहाँ वो स्टेशन पर जरा सिक्योरिटी वैन भेज दीजिएगा, क्योंकि सरोजा पहली बार। हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन समझ? अरे वैन में हम खुद मौजूद रहेंगे अपने बहू के स्वागत के लिए। हाँ जी चाचा। अच्छा हम कल निकल रहे हैं कामायनी से। ओके ओके।